अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हुसैन लियाकत। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे दौरे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि दौरे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेज क्या कुछ होंगी। इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ की कल बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने मोहम्मद आमिर के हवाले से बहुत सारी बातें कही हैं और अब लगता यह है कि आमिर के फैंस को उनका इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई और मैनेजमेंट आई जो आमिर को राज़ी कर सके तो फिर कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसके अलावा बहुत सारे और इश्यूज़ हैं, एनओसी के इश्यूज़ हैं, फिर कुछ नया टैलेंट है जो कि नॉक कर रहा है पीसीबी के दरवाज़ों पे और अब देखते हैं कि उनको कब तक मौका मिलेगा। इस तमाम तर आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए 3 टेस्ट मैचेस, 11 ओडीआई और 13 टी20 इंटरनेशनल्स खेले हैं और जिस ज़माने में इन्होंने क्रिकेट खेली वो कोई आसान ज़माना नहीं था। इनके कंपेटिटर्स में अब्दुल रजाक, अजहर मैमून, शोएब मलिक, ये तमाम तर इनके कंपेटिटर्स थे और उसके बावजूद भी पाकिस्तान की जानिब से तीनों फॉर्मेट्स खेले और काउंटी स्पेशलिस्ट भी इनको कहा जाता है और पाकिस्तान के ओनली प्लेयर हैं लेवल 4 ECB का जो ट्रेनिंग है वो ली है और ओनली कोच इन पाकिस्तान। अब देखते हैं कि इनको कब तक एकोमोडेट किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ यासिर अरफात साहब की। यासिर भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और यासिर भाई, सबसे पहले थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का टूर स्टार्ट होने जा रहा है, वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंसेज थी वो आपके सामने थी लेकिन मोर ऑर लेस टीम वही है जो कि इससे पहले हमने श्रीलंका के दौरे में देखी थी, एक दो चेंजेस हुई हैं। क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे से आपको? अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वो आपने जो इंट्रो में थोड़ी बात की ना कि अकोमोडेट करने वाली बात, मुझे थोड़ा सा इससे इख्तलाफ है। अच्छा। देखिए लोगों को अकोमोडेट नहीं करना चाहिए, अगर तो कोई बंदा मेरिट पे आता है तो बिल्कुल उसको आना चाहिए। तो उसमें यह है कि अगर तो मैं क्रिकेट बोर्ड समझेगा कि मैं इस मेरिट पे उतरता हूँ और मैं मेरी काबिलियत। अच्छा, यासिर भाई, पता है मैंने अकोमोडेट क्यों कहा? बेसिकली ना आजकल किसी भी क्रिकेटर से आप रब्ता करें ना तो वो कहते हैं यार मैं टीवी पे आ नहीं सकता क्योंकि मेरी बातचीत चल रही है, तो मैं इस वजह से कहा यार कि आजकल सबको अकोमोडेट किया जा रहा है। नहीं देखिए, ये तो एक होता है कि आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं तो आपको बड़ा ही सोच समझ के अपने बयान को या टीवी या सोशल मीडिया पर जब आते हैं तो आपको देखना पड़ता है, क्योंकि आप जब आउटसाइड द सिस्टम होते हैं तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो डिफरेंट होता है। जब आप किसी पोस्ट पे आते हैं तो आपका जो है ना, फिर आपको चीजों को डिफरेंट एंगल से या डिफरेंट तरीके से देखना पड़ता है, तो आपको बड़ा मोहतात रहना पड़ता है। बिल्कुल आपने सही कहा, लड़के वो होंगे कंसर्न होंगे कि अगर वो क्रिकेट बोर्ड में आते हैं तो भी वो बात उस हिसाब से नहीं कर सकते होंगे। दूसरी बात देखिए जी, उसके बाद दूसरी जो बात आपने की पाकिस्तान टीम की टूरिंग ऑस्ट्रेलिया, देखिए हमेशा से ये मुश्किल टूर तो रहा है पाकिस्तान टीम का, मगर जो खुशाइंद बात मुझे ये नजर आ रही है कि जिस तरीके से आपने शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, बल्कि सॉरी आपने नहीं की बल्कि आपने हफीज की बात की और आज शान मसूद की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखिए एक चीज तो बड़ी ही वाजे है कि टीम मैनेजमेंट, टीम के जो प्लेयर्स हैं वो काफी कॉन्फिडेंट है। रिजल्ट देखे कोई भी आए, मगर एज लॉन्ग एज आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से एक प्रेपरेशन करके जाएं, देखिए पास में हमने ये देखा कि आप टूर्नामेंट्स में गए, आप वर्ल्ड कप में गए और आप एशिया कप में गए, मगर आपकी जो प्रेपरेशन थी वो उस तरीके की नहीं होती कि फिर रिजल्ट फिर वो रिफ्लेक्ट करते हैं आपके प्रेपरेशन को देखते हुए। मेरे इस ऑस्ट्रेलिया के टूर पे ऑल्दो हफीज के पास बहुत कम टाइम था या जो शान मसूद अभी बहुत रिसेंटली कप्तान अनाउंस हुए इनके पास टाइम तो कम था, मगर उन्होंने जिस तरीके से उसको यूटिलाइज किया, रावलपिंडी में कैंप लगाया, उस कंडीशन के मुताबिक उस तरह की पिचेस बनाई गई और अभी लाहौर में भी एक दो दिन का कैंप है, तो उसको देखते हुए मैनेजमेंट का जो है माइंडसेट को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि देखिए अगर जीतते अगर आप नहीं भी एक टफ सीरीज हो तो मुकाबला दें उनको बजाय इसके कि एक एक इनिंग से हारें, अगर आप उनको टफ फाइट दें मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ये पॉजिटिव होगा। अच्छा यासिर भाई, आपको भी मालूम है, पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि 1995 के बाद हम कोई ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीत नहीं सके और मीनवाइल आपका दौर भी शामिल है, आपने तो चले शायद इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली लेकिन वसीम अकरम, वकार यूनिस इतने बड़े बड़े लेजेंड थे, उसके बाद शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, कोई भी जाके वहाँ पर जीत नहीं सका, तो इस टीम से हम ये उम्मीद तो कर सकते हैं कि जो 3 दिन में हम मैच हारते थे कम अज़ कम 5वें दिन में जाके अगर हारना ही है तो हार जाएँ। देखिए बिल्कुल आपने जो कुछ पिछले अदवार की और हिस्ट्री की बात की उसमें बिल्कुल 2-3 दफा पाकिस्तान टीम बल्कि क्लोज भी आई, जीतने के करीब भी आई 2010 में जब वो पाकिस्तान टीम एक रनआउट मिस हो गया उसकी वजह से कुछ कैचेस ड्रॉप हुए, वो एक ऑप्शन थी। फिर 99 में पाकिस्तान के पास जीतने का एक अच्छा होबर्ट में चांस था, अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान टीम के पास आती रही, मगर देखना यह है कि पाकिस्तान टीम किस माइंड सेट से जाती है। देखिए पहला जो मैच है आपका पर्थ में मैच है वो आपके लिए डिफिकल्ट कंडीशन इन द सेंस होगी कि एक तो वहां पे
अब तो वो जो आपको बिल्कुल याद होगा वाका जो होता था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो ग्राउंड होता था जो मशहूर थी बाउंस के लिए पिच, वहां वो ग्राउंड अब दूसरा एक ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम उसके साथ जो बना दिया गया है वहां पे हाइब्रिड पिच पे मैचेस होते हैं क्योंकि बाकी इवेंट्स भी उस ग्राउंड में होते हैं, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना शुरू में मुश्किल होगा। उसके बाद फिर आपके पास मेलबर्न और फिर सिडनी में मैचेस हैं, वो कंपैरेटिवली इतनी मुश्किल कंडीशंस पाकिस्तान के हिसाब से नहीं होंगी। मगर देखें अगर आप एक अच्छी प्रेपरेशन और एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड के साथ, बल्कि आज शान मसूद की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था कि जो टाइप ऑफ क्रिकेट हमने खेली है, जिस तरह की हमने क्रिकेट खेलनी है, हम वो चाहेंगे कि हमारे प्लेयर डोमेस्टिक में भी उस तरह की क्रिकेट खेले, तब जाके वो टीम में आएंगे। देखें डिफरेंस हमेशा से ये हुआ है कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेली गई है और जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट की, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो एक चीज तो क्लियर है कि इस मैनेजमेंट के अंडर वही लड़का टीम में आएगा, वही देखिए उन्होंने बल्कि ये भी बात की कि कोई ऐसा प्लेयर इंडिविजुअल या कोई ऐसा ग्रो टीम में नहीं उसको एडवांटेज दिया जाएगा कि जो के पास में होता रहा। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि सबको एक क्लियर मैसेज है कि आपने अल्टीमेटली अपनी टीम के लिए खेलना और टीम की विन के लिए खेलना है। अच्छा यासिर भी थोड़ा सा अगर बात कर लीजिए, टीम तो वहीं पे मौजूद है, सिर्फ हमने वर्ल्ड कप के उस डिबेकल के बाद कप्तान चेंज किया, मैनेजमेंट चेंज की। प्रिसाइसली मैं हफीज के बारे में पूछना चाहूंगा आपसे, सईद अजमल और उमर गुल के बारे में, कि टीम प्लेयर्स तो वही हैं लेकिन हमने कोचिंग स्टाफ चेंज कर दिया, कप्तान चेंज कर दिया, इससे कोई टीम की परफॉर्मेंस पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? हमें इनको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा अभी। देखिए ऑब्वियसली बिल्कुल आपने सही कहा, वक्त हर चीज के लिए आपको देना पड़ता है। आप किसी भी काम को करने जाते हैं तो आप ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं लेते या कोई मौजे नहीं होते, आपको उनको टाइम देना पड़ता है। और देखिए अगर आप इस मैनेजमेंट को रखें एक साइड पे और पुरानी मैनेजमेंट को रखें तो आपको देखें मोरनी मोर का, अगर उमर गुल की अगर आप बात करें, देखिए उमर गुल आपको एक तो आपकी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत खेली है, मोरकल ने भी खेली है, एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से मोरकल से ज्यादा उमर गुल का, इन द सेंस कि वो पिछले 5-6 साल से अपनी कोचिंग की फील्ड में क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए डोमेस्टिक में भी उन्होंने काम किया, अफगानिस्तान के लिए भी काम किया। अगर आप मोरकल को गुल के मुकाबले में देखते हैं तो मैं समझता हूं कि गुल बहुत ही सूटेबल है गिवन सर्कमस्टांसिस। और उसके साथ साथ देखें मोरकल आपको आईपीएल को प्रेफरेंस देते हैं, अपनी साउथ अफ्रीका T20 जो लीग है उसको प्रेफरेंस देते हैं, तो आपको तो ऐसा कोच नहीं चाहिए। कोचिंग एक फुल टाइम जॉब है, ये आप टाइम ये वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे ला के लोगों से काम नहीं ले सकते। और वेरा सईद अजमल आपको नजर आ गया कि आपको एक स्पिन बॉलिंग कोच पाकिस्तान टीम में चाहिए, और सईद अजमल भी एक एक्स प्लेयर भी रहे हैं और वो भी पिछले 5-6 साल से कोचिंग की फील्ड में है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन कोचिज को देखते हुए, इन कोचिज को अगर आप देखें तो मैं ये समझता हूँ एक बेहतर और राइट डायरेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा बहुत सारे लोगों का सर ये इतराज है कि हफीज के पास तजुर्बा नहीं है, कोई उन्होंने इतनी ज्यादा कोशिश वगैरह नहीं की, इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए मुझे अगर मेरे एक जगह मैं पहले भी यही बात कर रहा था कि हफीज को एज अ डायरेक्टर क्रिकेट अनाउंस किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या कहीं पे भी, ये लोग टीवी पे या मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हैं कि वो कोचिंग हेड कोच बन रहे हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। वो स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, वो उसके बाद फिर वो कोचेज स्पेशलिस्ट कोचेज रख कर उनके बाद उनसे एग्जीक्यूशन करवाएंगे। आपके पास एग्जाम्पल है रॉबर्ट की, अगर आप देखें अब लोग ये भी कह रहे हैं कि हफीज टीम के साथ जा क्यों रहे हैं। देखें रॉबर्ट की पिछले साल जो डायरेक्टर क्रिकेट इंग्लैंड के हैं ईसीबी के, वो पिछले साल रावल पूरे टूर में पाकिस्तान के साथ रहे। ग्रैम स्मिथ जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है साउथ अफ्रीका के, वो भी वहां पे इंडिया में वर्ल्ड कप में टीम के साथ हैं। तो ऐसी बात कोई नहीं है। देखिए अब जब आपका सिनेरियो ही ऐसा है कि आपको डेली बेसिस पे जब आपने अपॉइंटमेंट्स करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने अगर होते हुए अगर हफीज उस ड्रेसिंग रूम में उस माहौल में अगर हैं, अपनी इनपुट अगर दे रहे हैं, देखिए पास में नहीं हुआ कि हमारे लेजेंड्स आके कोचिंग कैंप में आके टिप्स देते थे, तो अगर हफीज ने दे दी तो कोई ऐसी कोई क्या बात होगी। मगर उनका जो डेजिग्नेशन है वो हेड कोच का नहीं है, उनका है डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। लेकिन जो लिस्ट आई है यासिर भाई बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, 17 लोग आई थिंक ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें हफीज डायरेक्टर क्रिकेट भी हैं स्लैश हेड कोच भी हैं, तो क्या फ्यूचर में फिर कोई नया हेड कोच देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट है हायर मैनेजमेंट, या फिर हफीज के साथ ही एज ए टीम डायरेक्टर भी और एज ए हेड कोच भी कंटिन्यू करेंगे? देखिए अभी तो वही आप सबको पता है, हमें भी पता है, और ये जब हम बात करते हैं ना हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जो डिसीजंस अभी हो रहे हैं ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो रहे हैं। सारा डिपेंड करता है कि इलेक्शन पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान में जब जो इलेक्शन होंगे उसके बाद क्या सिचुएशन बनती है, तो उसके उसको देखकर हमें बात करनी चाहिए कि देखें हफीज भी सेंसिबल हैं और वो ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो पाकिस्तान टीम के खिलाफ या पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए कोई नुकसानदेह होगा। हाँ छोटी मोटी अगर वो फीडबैक देते हैं, और देखें इंटरनेशनल लेवल पे आपको टेक्निकल इतना काम नहीं होता जितना आपने स्ट्रेटेजिकली आपने अपनी
प्लेयर्स को एक प्लान देना होता है और किस तर्ज की क्रिकेट आपने खेली है वो बताना है। तो देखें ये बाकी जो हेड कोच की आप बात करें, मे भी देखें जब ये क्रिकेट बोर्ड इलेक्शन गवर्निंग बोर्ड बनेगा, एक चेयरमैन प्रॉपर आएगा, तो उसके बाद ये चीजें डिस्कस होंगी। ठीक, अच्छा इससे पहले कि हम मूव ऑन करें, आखिरी सवाल आपसे ऑस्ट्रेलिया के टूर के हवाले से करूंगा। आपने बाबर आजम को अच्छा खासा टाइम दिया, इसी तरह देखा हमने कि माजी में हमने जिन भी कप्तानों को टाइम दिया, जिस मैनेजमेंट को टाइम दिया, अल्टीमेटली उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का दौरा ऐसा है कि मोहम्मद यूसुफ की मिसाल है, बहुत सारे ऐसे कप्तान हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे से वापस मुल्क में आए तो वो कप्तान नहीं थे, लेकिन अब अगर शान मसूद को हमने कप्तान बना के भेजा है तो मेरा ख्याल है कि उनको इतना टाइम जरूर देना चाहिए कि वो अपने आप को या अपनी सलाहियतों को मनवा सके एज ए कैप्टन। जी बिल्कुल, देखिए इसमें प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं होता। जब एक क्रिकेट बोर्ड किसी भी प्लेयर को अपॉइंट करता है तो ये उसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने प्लेयर को, अपने कप्तान को और अपनी कोचिंग स्टाफ को वो बैक करे। तो यहाँ पर भी यही देखा जाएगा, पास में यही हुआ कि आप स्केप गोट बना लेते हैं, क्रिकेट बोर्ड अपने आप को बचा लेता है, मगर यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड को एक फर्म डिसीजन जिस तरह उन्होंने अभी लिया है और उसको फिर अगर रिजल्ट कुछ भी हो, देखें आपने जिस तरह शुरू में बात किया, मैंने बात की कि देखें रिजल्ट जो है ओवरनाइट नहीं आते, आप अच्छी बुरी परफॉर्मेंसेज होती हैं, एज लॉन्ग एज आप सही डिसीजन कर रहे हो और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और आपके राइट लेफ्ट के जो बंदे हो, जो सेंसिबल किस्म के बंदे, अच्छी फीडबैक दे रहे हो, तो मैं ये समझता हूँ ये आप सीरीजें हारते भी हैं जीतते भी हैं, मगर डिपेंड ये करता है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, डिपेंड ये करता है आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा। यहाँ पर ख्वातीन ओजात वक्त है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो मोहम्मद हफीज़ ने जो मोहम्मद आमिर के हवाले से बात की उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और फिर यासिर साहब का अपना एक कैरियर है उसके ऊपर भी कुछ डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो, प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे हम मोहम्मद हफीज़ के रीसेंट बयान के हवाले से, जब उन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मद आमिर से खुद रब्ता किया लेकिन आमिर की प्रायोरिटी शायद अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, लीग क्रिकेट है, और इस हवाले से आमिर के फैंस बड़े परेशान हैं क्योंकि दो साल से आमिर के फैंस यही कह रहे थे कि हमने शायद आमिर को वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में देखना है, लेकिन अब वो इस बयान के बाद आमिर को इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देख सकते। यासिर भाई, इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ और मोहम्मद आमिर के दरमियान एक सर जंग तो चल रही थी लेकिन उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया, जो ही वो डायरेक्टर बने उन्होंने खुद रब्ता किया कि आप हमारे प्लान्स में शामिल हैं, लेकिन आमिर अगर रिटायरमेंट वापस नहीं लेना चाहते तो उनको फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में तो हम इसके बाद नहीं देख सकते। जी बिल्कुल, देखिए इसमें बल्कि हमें हफीज को जो है क्रेडिट देना पड़ेगा कि आप अगर बल्कि शुरू में जो मैंने आपको बात की थी ना कि आप एज अ इंडिविजुअल जब बयान देते हैं वो आपका डिफरेंट, वो आपके लिए अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मगर आप जब किसी इदारे के साथ मुंसलिक हो जाते हैं तो आप एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, और जितने भी प्लेयर्स, सिर्फ आमिर नहीं, जितने भी पाकिस्तान का एक एक क्रिकेट प्लेयर जो है वो अब हफीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको किस तरीके से कैटर करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, बल्कि यहाँ पे बड़ापन हफीज ने दिखाया कि वो एज अ, देखें हेड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इटसेल्फ, आप देख लें कि जो भी डिसीजंस हो रहे हैं वो थ्रू हफीज हो रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़ापन का मुजाहरा किया। अब ये आमिर आपको देखें, मेरे ख्याल से उनकी जो कम्युनिकेशन है उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनका मेरे ख्याल से खुद अब इंटरेस्ट नहीं है और वो खुद अब लीग खेलना चाहते हैं, तो ठीक है, जो प्लेयर अपना बेहतर समझता है, अपना लाइवलीहुड या फ्यूचर अपना देखता है लीग में अगर देखता है तो बिल्कुल उसको खेलना चाहिए। और जो पाकिस्तान के लिए, देखिए आपके पास एग्जाम्पल है, इफ्तिखार ने भी T10 लीग छोड़ के आप अपने वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, जब उन्होंने प्रायोरिटी, जो प्लेयर अपनी प्रायोरिटी पाकिस्तान टीम को देगा तो उसको ही प्रेफरेंस देनी चाहिए पाकिस्तान टीम के लिए। इवन शान मसूद की एग्जांपल देख लें, और वो उन्होंने जब से वो टीम से ड्रॉप हुए साल डेढ़ साल, उन्होंने डोमेस्टिक का कोई टूर्नामेंट कोई मैच नहीं छोड़ा, तो जिसका रिजल्ट है कि उन्होंने परफॉर्म किया और वो आज पाकिस्तान टीम के कैप्टन। लेकिन यासिर भाई, यहाँ पे एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है ना कि मोहम्मद आमिर को अगर हम रखें अपनी, उनके अपने आप को रख के सोचें, तो क्योंकि फैब में आपको पता है नई गवर्नमेंट आनी है, तो वो ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ये मुझे अभी फर्स्ट क्लास की ऑफर कर रहे हैं कि फर्स्ट क्लास आप खेलें, तो क्या पता ये दो महीने बाद होंगे नहीं होंगे, मैं अगर अपने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी छोड़ देता हूँ बाद में मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट भी ना मिले, तो अनसर्टेनिटी भी बहुत ज्यादा है। देखिए इसमें तो दो राय ही नहीं है कि अनसर्टेनिटी नहीं है, नहीं है, बट उसके साथ साथ आप ये भी देखें ना, एक ये प्रोटोकॉल जिस तरह हफीज ने यह भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम एक एनओसी का जो है वो आपको एक बताएंगे कि क्या फॉर्मूला है, किसके तहत अब लड़कों को एनओसी दी जाएगी। हमें यह भी चीज ख्याल रखनी चाहिए कि जो प्लेयर पाकिस्तान का तीनों फॉर्मेट खेलता है, जिसमें एक मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी और बाकी एक दो प्लेयर और भी हैं, उनको जो लीग्स में जो है वो थोड़ा सा देखकर खेलना पड़ेगा, उनका वर्कलोड मैनेज किया जाएगा। मेरे जो T20 के प्लेयर हैं, मैं ये समझता हूं उनके लिए डेफिनेटली एक अलग पॉलिसी होगी कि वो जब अवेलेबिलिटी होगी पाकिस्तान के लिए तो वो आएंगे, नहीं होगे तो जब लीग जाके खेलेंगे, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और आमिर का अगेन देखें, वो खुद समझते हैं अपनी बॉडी को, उनकी जो एज है वो जो पीक थी वो एक
वो अपनी उन्होंने देख ली, अब वो खुद समझती हैं मेरे ख्याल से कि उनका ज्यादा जो फ्यूचर है वो T20 लीग्स में रहे और उसी पे वो मेरे ख्याल से फोकस कर रहे हैं। अच्छा सर, NOCs की आपने बात की, मैंने इस तरफ भी आना था, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी, ये लोग ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, ये अगर तीनों फॉर्मेट खेलते हैं तो ये एक दो ओवरसीज लीग्स और एक PSL के साथ तो गुजारा कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स को इस NOC के ऊपर भी और इस जो कॉन्ट्रैक्ट है बड़ी रिजर्वेशन है कि हमने एक हद फॉर्मेट खेलना है और हमें PCB ने इतना ज्यादा जो है वो बाउंड कर दिया कि हम अब अपनी लीग्स भी नहीं खेल सकते, बड़ी रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं प्लेयर्स। देखिए ये चीज तो है और ये अभी की बात नहीं, आप थोड़ा पीछे चले जाएं, बल्कि जीवन जब मैं खेला करता था तो उस टाइम भी ये इश्यू होता था, मेरी भी यही प्रायोरिटी होती थी पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबिलिटी। मैं 2-3 दफा काउंटी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स या सीजन छोड़कर आया हूं और पाकिस्तान टीम के टूर्स किए या मैं उनके कैंप्स अटेंड किए, ये चीजें तो चलती रही है। मगर आपको एज अ प्लेयर, मैं एज अ प्लेयर अब बात करूंगा कि जब भी पाकिस्तान टीम आपको बुलाए, कोई कंडीशनिंग कैंप हो, कोई ट्रेनिंग कैंप हो या कोई टूर हो, तो आपको अपनी अवेलेबिलिटी, और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट PCB का साइन किया है तो आपकी फुली होली सोली जो आपकी अवेलेबिलिटी है वो पाकिस्तान टीम को अगर दरकार है तो आपको आना पड़ेगा। मगर अगेन मैं यहां कहूंगा कि देखिए ये मैन टू मैन, प्लेयर टू प्लेयर वेरी करेगा, हमें अपने प्लेयर्स को केटर करना पड़ेगा, या तो फिर हम उनको इतनी हैंडसम कॉन्ट्रैक्ट्स दें डोमेस्टिक में, इतना उनको पैसा दें या तो ताकि उनको बाकी इधर उधर, इंडिया की एग्जांपल आपके पास है कि इंडिया का प्लेयर हार्डली कोई एक इधर उधर जाके खेलता है क्योंकि उनको अपनी जो डोमेस्टिक में या IPL उनकी जो है या इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना पैसा मिल जाता है उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आई एम श्योर कुछ सेंसिबल लोग आप क्रिकेट बोर्ड में, जिसना फीस डिसीजन कर रहे हैं और पॉलिसीज बना रहे हैं, तो एक अच्छी क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए भी एक अच्छा कोई सलूशन निकलेगा। कुछ क्रिकेटर सर लीग्स के बादशाह होते हैं, आप काउंटी के बादशाह थे, लेकिन मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिएगा एज ए क्रिकेटर कि क्यों क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेट को मतलब बाज़ूकात प्रायोरिटी नहीं देते और लीग्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए बादशाह तो नहीं, मुझे आपने मतलब कोई ऐसी काउंटी ऐसे आप खेले ना होने, सर काउंटी का एक्सपीरियंस आपको बड़ा है। देखिए असनैन भाई, बहुत ये असल में अंडरस्टैंडिंग होती है और जिस जिसकी बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और रफीज पर्टिकुलरली कर रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन गैप है, देखिए पास में ये होता रहा है कि आप क्रिकेट बोर्ड में फोन करते थे तो आपका क्रिकेट बोर्ड से रब्ता नहीं होता, आपको पता नहीं होता था कि आपने NOC किससे लेनी है। तो जब तक एक जाब्ता कानून या कोई इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट या कोई पॉलिसी बनेगी नहीं, यही देखिए रीजन ये है कि कम्युनिकेशन गैप है। जब हफीज ने आके ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स को भी फोन किया जिसमें आपने आमिर की बात की, जिनसे उनके इख्तलाफात रहे माजी में, मगर उन्होंने उन चीजों को भी पीछे छोड़कर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान के प्लेयर्स पहले, ये जो ईगो इशू है ये इसको खत्म किया जाए। तो जब ये कम्युनिकेशन गैप जो खत्म हो जाएगा तो मैं ये समझता हूँ ये मसला भी बेहतरीन तरीके से हल हो जाएगा। अच्छा, आप जिस मुल्क में अभी बैठे हुए इंग्लैंड में, उनकी क्रिकेट बड़ी स्ट्रांग है, आपको याद है अभी मोइन अली को वो लेके आए थे एशेज के लिए, फिर बेन स्टोक को आउट ऑफ नोवेयर रिटायरमेंट के बाद वो वर्ल्ड कप में लेके आए, या उनकी प्रायोरिटीज में वो नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ ये क्यों नहीं हो सकता कि अगर एक प्लेयर CPL में परफॉर्म कर रहा है या फिर बिग बैश लीग में परफॉर्म कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उसको टीम में लें ताकि ये मसले मसाइल खत्म हो, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स यासिर भाई टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग जाया हो रहे हैं और इसी वजह से जाया हो रहे हैं कि उनको लीग्स में ज्यादा पैसा मिल रहा है और हमारी डोमेस्टिक इतना पैसा नहीं है। देखिए ये बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो रवैया माजी में रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपने प्लेयर्स के साथ वो अच्छा नहीं रहा। आपने टीमें जब भी बनाई आपने PSL की परफॉर्मेंस से बनाई, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर से, बल्कि हमें तो इस मैनेजमेंट को बल्कि क्रेडिट देना चाहिए कि आपके जो प्लेयर जिस तरह फास्ट बॉलर एक जो नए आए हैं टीम में उनको उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पर लेकर आए। सैम अयूब ने भी ऑलमोस्ट 90 की एवरेज से रन किया, ऑल्दो CPL खेल के लेट आए मगर उसके बावजूद भी। तो ये अब ये आपको अपनी डोमेस्टिक को देखें, सिर्फ आपने इज्जत ही नहीं देनी, आपने जो डोमेस्टिक को थोड़ा सा प्लान अच्छा करना है। हमेशा से ऐसे हुआ है कि हमारा डोमेस्टिक अगर सितंबर या अक्टूबर में है तो एक महीना पहले या दो कुछ हफ्ते पहले आपको पता चलता है आपका वेन्यू क्या है, आपके मैचेस क्या है। और देखिए ये जो क्रिकेटर्स बनते हैं ये 12 महीने की मुसलसल जो मॉनिटरिंग होती है प्लेयर के साथ, उसके बाद जाके आपके पास प्लेयर एक प्रोडक्ट अच्छी आती है। आप ये नहीं कह सकते कि आप 2 हफ्ते का कैंप लगाएं और आपके डोमेस्टिक 3 महीने की खेल के एक प्लेयर आपके पास तैयार हो जाएगा। लेकिन हम तो सर डोमेस्टिक उसी दिन करवाते हैं जब आपको पता है 7 वर्ल्ड कप चल रहा होता है कि मीडिया की कहीं नजर ना आ जाए हमारे ग्राउंड हमारी फैसिलिटीज, साथ साथ वर्ल्ड कप चल रहा है साथ साथ हमारी डोमेस्टिक चल रही है, पता नहीं होता किसने परफॉर्म किया किसने नहीं किया। बिल्कुल हसनैन भाई, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझसे जब कह रहे हैं ना कि मैं इंग्लैंड में मौजूद हूँ, यहाँ पे जो सिस्टम है या ECB का सिस्टम है, जो काउंटी सीजन पिछले महीने या 1.5 महीने पहले खत्म हुआ था उनका जो 4 या 5 हफ्ते का उनको रेस्ट दे के, ये जो दिसंबर से पहले 1.5 महीने का उनका
वो जो है कंडीशनिंग कैंप जिसमें आप वेट्स वगैरह का काम करते हैं, मसल्स अपने डेवलप करते हैं, फिर क्रिसमस की छुट्टियां आती हैं, उसके बाद फिर आपकी इंडोर क्रिकेट शुरू हो जाती है। अप्रैल में आपका सीजन शुरू होना है जिसकी प्लानिंग आपने सितंबर अक्टूबर से शुरू कर दी है। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक प्लेयर को जब आप इतना पूरा 12 महीने का प्लान या उस पर वर्कआउट करते हैं तो रिजल्ट्स आपके पास आते हैं। वेरस हमारी डोमेस्टिक जिसमें आप भी कह रहे हैं कि एक हफ्ते का कैंप लगा के आप T20 खत्म करते हैं, एक हफ्ते का कैंप लगा के आप वनडे खत्म करते हैं और इसी तरह फर्स्ट क्लास खत्म करते हैं। तो माजी में ऐसी चीजें होती रही हैं, आई एम श्योर आपको इस बेहतरी आएगी इस चीज में और आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में भी जिसका डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आपने लगाया है आपको डायरेक्टर ऑफ डोमेस्टिक भी प्रॉपर तरीके से लगाना पड़ेगा कि जो उसका अहल हो। अच्छा यासिर भाई, मुझे हफीज साहब के तमाम तरह डिसीजन से मैं भी इतफाक करता हूं, लेकिन ये साहिब अयूब वाला डिसीजन मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि साहिबजादा फरहान को हम स्लॉट इन इस वजह से नहीं कर सकते थे कि ऑलरेडी टीम में दो दो तीन तीन ओपनर हैं, फिर साहिब अयूब को किस स्ट्रेटेजी के तहत प्रेफर किया गया ओवर साहिबजादा फरहान, क्योंकि वो बहुत अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ साहिबजादा फरहान का, जो मैं डोमेस्टिक अभी फॉलो भी करता हूँ, मैं यहाँ रहता तो हूँ मगर मैं हर रोज जो T20 वन डे टूर्नामेंट या फोर डे के जो लाइव स्ट्रीमिंग मैचेस होते हैं मैं एक एक चीज देख रहा होता हूँ कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। मुझे अभी भी पिछले दिन उन्होंने परफॉर्म बड़ा साहिबजादा फरहान ने बड़ी अच्छी बैटिंग 100 मेरे ख्याल से किया था और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी और वो पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं, तो अगर कोई डिजर्व करता था वो टॉप ऑर्डर में तो साहिबजादा फरहान करता है। मगर अगेन देखिए साहिब अयूब भी अगर उनको भी अगर पिक किया गया है तो देखिए आपको कभी कभी होता है कि आप समझ रहे होते हैं कि मेरी टीम में सिलेक्शन है, जगह बनती है मगर नहीं बनती समहाउ, मगर अगेन मैं कहूंगा साहिबजादा भी अभी उनके पास टाइम है, तो अगर वो इसी तरीके से कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस करते रहे तो आज नहीं तो कल, क्योंकि टूर ये मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे, लड़के अल्लाह करे परफॉर्म करें, अगर नहीं करते या कोई इंजरी होती है तो साहिबजादा फरहान बिल्कुल सिलेक्शन की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नजर में है, बस उनको अपने बारी का इंतजार करना है, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, जब उनको चांस मिले वो परफॉर्म करें। यासिर भाई थोड़ा सा आखिर में डिस्कस कर लेते हैं, यू आर ओनली लेवल 4 कोच जिन्होंने ACB से लेवल 4 कोच किया और कोचिंग कोर्स किया, मिकी ऑथर के जमाने में जब वो आए थे तो आपका भी नाम चल रहा था लेकिन अचानक से वो गायब हो गया। मैं तो समझता हूँ कि हमारी जो कोचिंग स्टाफ है उसको भी क्वालिफाइड होना चाहिए ताकि हम जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके तमाम तरह क्राइटेरियाज को मीट करें, तो आपको क्यों उस वक्त यूटिलाइज नहीं किया गया, क्या कुछ कहानी थी जरा जल्दी से बताइए। देखिए मुझे वो मेरा नाम गायब हो गया, वो जो लोग आए थे वो भी गायब ही हो गए वो लोग भी चले गए अब तो देखिए अच्छा ही हुआ, बल्कि देखिए अगर मैं उस सिचुएशन में अभी होता, मैं यहाँ पे अपनी जॉब छोड़ के या फैमिली को छोड़ के जाता और मेरे साथ अगर ये चीज होती तो अगेन देखिए डिसीजन आपको करने पड़ते हैं। सम टाइम मेरे से इंटरेस्ट शो किया था मिकी आर्थर ने मगर वो बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो उस टाइम की जो स्ट्रेटेजी या जो प्लानिंग करते थे क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे थे वो ये समझते थे कि मैं नहीं सूटेबल हूं, एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है ना क्रिकेटर्स की। जी आप दूर रहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है क्रिकेटर्स की। नहीं दूर तो नहीं, अब ऐसी बात नहीं है, देखिए हम तो पिंडी से और हम तो सारी उम्र क्रिकेट भी मैं केरल के लिए खेला हूँ, वहां रहा हूँ और अभी भी मेरे लिंक्स है, मेरी फैमिली वहां पे, मैं आता जाता रहता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मगर देखें आप जब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ये इधर उधर से लोग कोचिज या लोग आते ही है ना, बाहर से लोग आते ही बिल्कुल है, तो हम कौन सा कोई मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपके नाम के ऊपर इतफाक इस वजह से भी नहीं हो सकता ना कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट भी होती है क्रिकेट की, जो चाहती है वही होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा यासिर भाई आपने पिंडी का जिक्र किया, केआरएल का जिक्र किया, आपका इलाका भी कोटली सतिया का है और ये जो रीजन है पूरा मरी का, कोटली सतिया का, हजारा, कश्मीर का, इसमें से 3-4 क्रिकेटर्स हैं, आप हैं, नदीम अब्बासी साहब हैं, यासिर अरफात हैं, मोहम्मद वसीम जो कि साबिक चीफ सेलेक्टर थे या फिर आजकल जमान खान खेल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि कोटली सतिया के, काशिफ अली हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आकिब लियाकत हैं, मैरान मुमताज हैं, सुफियान मुकीम हैं, आप देखें 4-5 लोग एक टाइम पे डोर्स नॉक कर रहे हैं PCB का, इस हवाले से क्या समझते हैं ये लड़के फ्यूचर में हमें पाकिस्तान की जर्सी में नजर आएंगे? देखिए आपने जो नाम लिए, बल्कि सुफियान मुकीम का भी अभी आपने नाम लिया, वो बल्कि मैं जो अभी SPL सिंपरी में लीग है मेरी टीम में वो था, बेचारा वो अनलकी वो रहा, वो थोड़ा इंजर्ड हो गया, अदरवाइज बाकी नाम भी आपने, काशिफ अली देखे मैं उसको भी, जैसा मैंने आपको बताया मैं डोमेस्टिक फॉलो करता हूँ, उनके मैंने स्पेल्स देखे हैं, एक जानदार खान लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नया, उसने डेब्यू इस साल किया, परफॉर्म किया है, और उसके साथ काशिफ अली अभी नेट्स में जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे थे, देखे एक किसी भी फास्ट बॉलर में एक जो आपको देखी होती है चीजें, उसकी पेस, उसका रन अप, उसका जो है बॉलिंग करने का तरीका, तो हर चीज हर क्वालिटीज काशिफ अली में मौजूद है। अब प्रोवाइडेड ये कि वो अपने आप को फोकस रखें, एक दफा सिलेक्शन अगर नहीं होती, दो दफा नहीं होती, तीन दफा नहीं होती, मगर आप जब फोकस रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो एक दिन आता है अल्टीमेटली
कि आपको मौका मिलता है और बाकी लड़के भी हमारे रीजन से बड़े टैलेंटेड लड़के आ रहे हैं, नॉर्दर्न से और अब रावलपिंडी से, मैं लड़कों को देखता हूं तो बड़े एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं, तो पाकिस्तान टीम का भी फ्यूचर अच्छा और हमारे इलाके नॉर्दर्न और ये रावलपिंडी का भी फ्यूचर क्रिकेटर्स का काफी अच्छा। यासिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन रज़ात हमारे साथ मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अरफात, जिनसे हमने डिटेल में पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात की, पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से बात की और उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिसालें दी इंग्लैंड के हवाले से कि वहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर है और किस वजह से उनकी क्रिकेट अच्छी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।